सो हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार एकदम बढ़िया हो गए, आगे भी ऐसे बढ़े रहना। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग काफी खतरनाक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। बेसिकली आप लोगों को मालूम होगा कि भाई आप लोगों को कुछ करेक्टर फ्री में देखने को मिलेंगे अपने करेक्टर लिंक इवेंट के अंदर, कुछ क्या बल्कि सारे करेक्टर देखने को मिलने वाले। बट यहाँ पे कुछ ट्विस्ट निकल के आए हैं और आप लोग की तरफ से कुछ क्वेश्चन भी भैया निकल के आए हैं। तो जो नई चीजें मेरे पास निकल के आई, जो नई इन्फॉर्मेशन मेरे पास निकल के आई, वो आज की वीडियो के अंदर शेयर करने वाले हैं। क्या सच में भाई लोग आप लोग को मिलने वाले हैं फ्री में करेक्टर्स या फिर नहीं, या फिर कुछ यहाँ पे चेंजेस भी देखने को मिलेंगे, इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। साथ में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आएगा आखिर कब भैया, ये बता दो। वैसे तो मैंने बताया था बट स्टिल मैं इस वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा, जिनको नहीं पता है तो उनको मालूम चल जाएगा। तो आप लोग वीडियो को यार पूरा देखना ताकि आप लोग के जो डाउट्स हैं अपने करेक्टर लिंक इवेंट को लेकर, जहां से आप लोगों को बहुत सारे करेक्टर्स फ्री में देखने को मिलने वाले हैं, डीजे आलोक क्रोनो वगैरह, तो इन सारी चीजों को लेकर आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी चलो यार आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए आ रहे हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बिल्कुल भी सेट कर लो ताकि आप लोगों को जो वीडियोस का नोटिफिकेशन डेली आता रहे, एंड साथ में वीडियो को भी लाइक कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो अभी बात करते हैं गाइस अपने करेक्टर लिंक इवेंट के बारे में। तो उसका सीन क्या है, देखो गाइस आप लोग को मालूम होगा कि भाई अपना एडवांस सर्वर जब आया था तो उधर पे एक अपडेट आया है, जहां पे गाइस मैं आप लोगों को बता दूं अपना करेक्टर को लिंक करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। बेसिकली क्या है ना कि भाई लोग आप लोगों को करेक्टर को लिंक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैंने ये बता रखा है, बट मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों को यहां पे कुछ पॉइंट्स वगैरह कलेक्ट करने रहेंगे, जैसे कि 100 पॉइंट्स या फिर 1000 पॉइंट्स आप लोग कलेक्ट करने रहेंगे, जो कि आप लोग गेम खेल के कर सकते हो वगैरह वगैरह, कुछ यहां पे गोल्ड पे करके कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप लोग को यहां पे जैसे आप लोग पॉइंट्स को कलेक्ट करोगे फिर कुछ टाइम के लिए आप लोगों को जो करेक्टर है वो मिल जाएगा और आप लोग उसको यूज कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन है। और बाकी आप लोगों को मैंने बता रखा है जैसा कि भैया एक बार में एक ही करेक्टर को लिंक कर सकते हो दूसरे रिप्लेस करके, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहने वाला है। बाकी यहाँ पे कुछ ट्विस्ट निकल के आए, कुछ चेंज निकल के आए, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। गाइस देखो वो अपना एडवांस सर्वर है, ठीक है। एडवांस सर्वर के ऊपर मैक्सिमम चीजें जो है वो फ्री में आप लोगों को दी जाती हैं और वो एक ट्रायल सर्वर होता है, ठीक है। अब देखो यार बेसिकली मैं आपको बताऊं तो वहां पे डायमंड्स भी आप लोगों को फ्री में देखने को मिलते हैं, बट इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि भाई अपने गेम के अंदर भी आप लोगों को फ्री में डायमंड्स देखने को मिल रहे हैं। और वहां पे साफ साफ मेंशन रहता है एक चीज, जहां पे अगर उनको लगता है कि भाई ये चीज़ सही है, ये अपडेट सही रहेगा, तो वो आप लोग को देखने को दे देते हैं, वरना आप लोग को देखने को नहीं देते हैं। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि भाई अपना करेक्टर लिंक नहीं आने वाला है, मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई ऐसा पॉसिबल है कि आप लोग को जितने यहां पे डायमंड वाले करेक्टर हैं वो हो सकता है आप लोग को यहाँ पे देखने को ना मिले, क्योंकि आप लोग थोड़ा समझ सकते हो आलोक CR7 वगैरह यहाँ पे डायमंड के करेक्टर है, और हो सकता है भाई यहाँ पे स्काइलर वगैरह आप लोग को ना दिया जाए, क्या पता इनको रिमूव करके इवेंट को दिया जाए, तो ऐसा भी कुछ सीन हो सकता है। बाकी ऐसा भी सीन है कि हो सकता है आप लोग को सारे करेक्टर्स देखने को मिल जाए, एंड सबसे बेस्ट यही रहने वाला है, क्योंकि भाई अगर सारे करेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं ना तो भाई अपने बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि यार मतलब परचेज नहीं कर पाते हैं या फिर उनका मन नहीं करता इन्वेस्ट करने का गेम के अंदर, तो भाई लोग वो यहाँ से ले लेते हैं, मतलब आप ले लोगे, ठीक है। आगे से आप लोग को मतलब गेम के अंदर करेक्टर के लिए भैया टॉप अप करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो मेरे ख्याल से गाइस इस अपडेट को आना चाहिए सारे करेक्टर के साथ, जहां पे जितने डायमंड्स वाले करेक्टर वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलने चाहिए, क्योंकि भाई ये मेरे को एक बहुत बेस्ट अपडेट लग रहा है, क्योंकि इसमें गेम में ना किसी के साथ अनफेयर नहीं होने वाला है। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि भाई देखो गेम में अनफेयर हो रहा है, मेरे पास करेक्टर नहीं है इसलिए मैं हार जाता हूं, तो इससे क्या है ना भाई आप लोग व्यूकॉन्ग वगैरह बाकी जितने भी जो भी आप लोग करेक्टर है मन से, तो आप लोग कुछ मिशन को कंप्लीट करके कुछ गोल्ड पे करके आप लोग ले सकते हो, जो कि मेरे को बहुत बेस्ट लगा। बाकी बात करते हैं गाइस कब तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो आप लोगों का देखो मैं आपको बता दूं OB33 का अपडेट देखो यहाँ पे गोल्ड लेवल पे आके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो गाइस अपना जो गोल्ड लेवल है वो अभी 9 डेज बाद यहाँ पे मतलब बंद होगा, ठीक है, मतलब सॉरी चेंज होगा। तो देखो गाइस अपने 9 डेज बाद अपना जो गोल्ड लेवल है वो चेंज होने वाला है और उसी टाइम पे आप लोग को OB अपडेट देखने को मिलेगा। सो आज से 9 दिन बाद, ठीक है, आप लोग के लिए गाइस यहाँ पे जो अपडेट है वो देखने को मिलने वाला है, उस अपडेट के बाद गेम के अंदर चेंज आएगा, यहाँ पे आप लोग को लिंक करेक्टर वाला इवेंट देखने को मिल सकता है। तो ऐसे कुछ सीन है, बाकी कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आप लोग को बता दूंगा। बाकी आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।